सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्कीम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी ऑनलाइन स्टडी कंटिन्यू किए हम लोग पढ़ रहे थे। दो तीन वीडियो और एक एक्सरसाइज भी मैंने आपको दिया था करने को, जिसमें आपका संख्या पद्धति में मैंने बताया था संख्या की परिभाषा, उसके प्रकार, और इसमें मूल रूप से जो हम लोगों को पढ़ना था युक्तिक प्रमेय के माध्यम से मसल ज्ञात करना है, एक्सीएफ निकालना। उसी की एक और विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि से एक्सीएफ ज्ञात करना। यानी हम लोग इससे पहले युक्तिक प्रमेय एक होता है जो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, उसके माध्यम से भाग विधि के माध्यम से जो है हमने एक्सीएफ को निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से, या हम दूसरे शब्दों में ये कहें तो एचसीएफ और एलसीएम दो होता है हमारे सिलेबस में। एचसीएफ है, एचसीएफ को हमने भाग विधि से निकालना सीखा था, आज हम लोग उसी को गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे, जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी संख्या को, अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उसका गुणनखंड कैसे किया जाता है उसको हमें जानना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी संख्या हमने ले लिया 225, अब इसका हमें भाज्य गुणनखंड करना है। तो ये हम कैसे करते हैं? पहले तो आप लोगों ने इसके पहले कुछ चीजें पढ़ी होंगी, एक दो पॉइंट में बता दे रहा हूँ जो जनरली होता है। जैसे कि कोई भी संख्या अगर दिया हो तो संख्या देख के हम पता कर लेते हैं कि यह संख्या किससे कटेगी। जैसे अगर मान लीजिए हमें आपको संख्या दिए है और हम अभाज्य गुणनखंड इसका करें, तो इसका सिस्टम क्या होता है, हम सबसे पहले दो से इस संख्या को काटते हैं, फिर तीन से, फिर चार से, यानी हम हर संख्या को सीरियल नंबर से चेक करते हैं इससे कटेगा। या दूसरी विधि इसकी ये है कि अगर हर संख्या के विभाज्यता का नियम आपको पता है कि यह संख्या किससे कटेगी, तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक चीजें होती हैं सवाल को लगाना, केवल सवाल जो दिया है यह सवाल कैसे लगेगा ये जानना, और एक महत्वपूर्ण ये होता है कि इस तरह का सवाल लगेगा कैसे। इस तरह के सवाल को हम अगर सीखेंगे तो उससे क्या फायदा होगा हमारा, उससे क्या फायदा होता है कि हम उसी तरह के और भी सवाल अगर आते हैं तो उसको लगाना सीख जाते हैं। जैसे इसमें क्या है कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसके इकाई के स्थान पर, इस स्थान पर इकाई की अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ये संख्या दो से विभाज्य होती है। संख्या को देख के इकाई के अंक को आप आइडेंटिफाई के लिए तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि वह संख्या दो से कटेगी। या अगर तीन से संख्या की विभाज्यता हमें चेक करनी है तो जो संख्या दिया है उसके अंकों का योग क्या, जैसे मान लीजिए संख्या जो है 15, अंकों का योग होगा 1 + 5 = 6। तो ये जो अंकों का योग आता है ये अगर तीन से विभाज्य हो और शेषफल 0 हो, यानी कि वह जो है अंकों का योग अगर तीन से पूरी तरह विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या भी तीन से क्या होगी, पूरी पूरी कट जाएगी। अगर कोई भी संख्या दो से कट रही है तो अधिकतर संख्याएं चार से भी विभाजित। जैसे इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हम दो के लिए देख रहे हैं, उसी तरह पांच के लिए भी होता है। अगर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित, और जो संख्याएं 2 या 3 से कटती हैं वह संख्याएं 6 से भी कट जाएगी। तो इस तरह विभाज्यता के कुछ साधारण नियम होते हैं जिसके आधार पर हम संख्याओं को देख के ही बता सकते हैं कि वह संख्या किससे कटेगी और किससे नहीं कटेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखते हैं। कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, या कोई संख्या दी हुई है तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे ये 225 दे रखा है आपका, अब देखिए अभी मैंने विभाज्यता का नियम बताया आपको, तो उसमें दो से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई के स्थान में क्या है 5 है।
चीज हम करते हैं जिससे भाग देते हैं वो, यहाँ पे हम भागफल को लिखते हैं और भाग देने के बाद आया कितना उसे हम अपने मन में क्या करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं। तो 3×7=21, एक बचा यहाँ। अब हम मन में सोचिए कि एक बचा, 5 उतार दिए तो 1 और 5 हमारे नीचे हो गए 15 और 3×5 15, 7×5 12 और ये 3 से कटेगा, 3×6 1 बचा 15, 3×5 15, 5 से कटेगा, 5×25 और 5×1। तो अगर इस 225 को हम आज खंड के रूप में व्यक्त करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, और इसे लिखने के बाद अगर कई संख्या अधिक बार आई है तो हम उसके घात के गुणनफल में भी इसको व्यक्त, यानी कि 225 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इस तरह से व्यक्त करें। इस तरह से बहुत सारी संख्याओं को आप ऐसे निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही किया जाता है। आइए एक नाम करके दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे 625 हो गया। अभी देखिए 5 से कटेगा, 5×5 एक 12, 5×10 25 फिर 5×25 12 5×25 5×5 यानी 625 हो गया। 5×5 × 5 × 5 ऐसे क्या लिखेंगे, 5×5। अरे समझ में, सर देखिए 144, 2 से काटेंगे 72 36 18 9 3 1, यानी 144 को देखिए क्या क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार है 4 बार, और 3 कितनी बार है 2 बार, ये बनेगा आपका 2×4 और 3×8। इस तरह से हम इस संख्याओं को क्या करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याएं भी होंगी तब भी उनको आप अभाज्य गुणनखंड में, ये है आपका कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में कैसे व्यक्त करते हैं, हम इस तरीके से व्यक्त, ठीक है। अब आइए हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम मौसम कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए सबसे छोटी एक संख्या लेते हैं हम 12 और एक संख्या हुई हमारी 36, इन दो संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे और 36 का, ये गुणनखंड आपका रफ वर्क नहीं है, ये फेर में ही आपको करना है। तो 12 का करेंगे 2×6=12, 2×3=6, 3×1 ये आपका 36 रहा, 18 9 3, यानी कि 12 को आप लिखेंगे 2×2×3 यानी 2×2 और 3×1, फिर 2×2×2×3 12×3=36, 2×2 और 3×1, ठीक है। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, ये 12 का हो गया, ये 36 का हो गया, आपने इसके अभाज्य गुणनखंड को लिख के घातांक के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसका हमें मौसा निकालना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम उस गुणनखंड को चुनते हैं जो दोनों में सम्मिलित हो, जैसे 2 देखिए 2 बार इसमें भी है और 2 बार इसमें भी है, ठीक है। या तो आप ऐसे ना समझ पाए तो गुणनखंड से ही हम जोड़ा बना लेते हैं, ये 2 इसमें भी है इसमें भी है तो एक पेयर बन गया, 1 2 यहाँ है 1 2 इसमें भी है तो एक पेयर और बन गया। जितने पेयर आप बनाओगे उसके बाद हर पेयर से एक एक संख्या को लेंगे और उसका जो गुणनफल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए 2×2 और 3×1, ये कॉमन होगा क्योंकि इसमें 3×2 तो है नहीं, ये 3×1 इसमें है, कम से कम एक बार
इसमें भी है, ये एक जोड़ा बन गया ना आपका, तो ये इतना हो जाएगा, यानी दो दुना चार और तीन बारह, ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरह से बहुत सारी संख्याओं का आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक दो सवाल और करते हैं। देखिए एक संख्या दिया हुआ है 96 और एक संख्या दिया है 404। आइए इसका पहले देखते हैं। 96 40 40, देखिए दो दुना चार, दो चौके आठ, दो एक दो, दो दुना चार, दो छके बारह, दो तीन छः और तीन कम दिया गया आपका 1 2 3 4 5 8 2, दो दुना चार दुना आठ दुना 16 दुना 32, 32 दिया है 96। इसे लिखेंगे आप दो की घात 2 4 5 और 3 की घात, दूसरा है 404, दो दुना चार 2 0 दो, फिर 2 1 2, अब 101 किसी से नहीं कटेगा, दिया गया है इतना, यानी 404 हो गया आपका। 2 2 2 1 1, इसे लिखेंगे 2 2 2 1। अब एलसीएम जो होगा आपका 96 और 404 का, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 की घात 2 ही केवल है ना, यानी एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये बनेगा, उसके बाद इसमें तो 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो केवल 2 की घात 2 कॉमन है, 2 2 4, ये इसका क्या जाएगा एलसीएम। दूसरी चीज एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं, अगर हमें जांच करना होगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो ये जो चार जो आपका एलसीएम आता है, उस एलसीएम से आप दोनों संख्या में जब भाग देंगे तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर नहीं हो रही है इसका मतलब आपके एलसीएम में कहीं ना कहीं गलती, जैसे 4 से हम 96 में भागते हैं, तो देखिए 96 बटे 4, 4 दुना 8 और 1 16, 4 चौके 16, 24 चौके 96 होता है, फिर 404 में अगर 4 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका 104, 4 1 4 0, 101, कितना आएगा 101। यानी कि एलसीएम निकालने के बाद उसका हम भाग देंगे संख्या में, वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है संख्या, सेंसफल जो है ये शून्य हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एलसीएम, तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है ये कर सकते हैं क्या एलसीएम प्राप्त करना। पहले एक्सरसाइज में हम लोग यूक्लिड प्रमेय का उपयोग करके भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखे थे, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड में संख्याओं को कैसे व्यक्त करते हैं उसको सीखे, और अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और अपने उत्तर की जांच कैसे की जाती है, इसके बारे में हम लोग, तो अब ये अगला एक्सरसाइज जो आपका 1.2 आएगा उसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में सीखेंगे कि कोई भी संख्या परिमेय अपरिमेय होती है तो उसको हमें प्रूफ करना है, जैसे √2 हमारा अपरिमेय होता है, √3 अपरिमेय होता है, तो इनको प्रूफ कैसे किया जाए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।